हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि AIB एग्ज़ाम में कितने अटैम्प्ट्स होते हैं, कितने नहीं, तो इसके बारे में जो हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अपने आज के इस वीडियो में। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले जो है, अगर आप लोगों ने AIB 18 एग्ज़ाम देना है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तो गाइस अपनी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि फिर आप लोगों को जो है बाद में प्रॉब्लम ना हो। अभी से ही अपने प्रिपरेशन आप लोग मे बी कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फ़िलहाल प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किए हैं AIB एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस, जेन्युइनली स्पीकिंग, कि आप लोग जो है अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट है। बिकॉज़ बाद में जो है कैंडिडेट्स को रिग्रेट फील होता है कि हमने इतनी फ़ी दी थी, इतनी फ़ी पे की थी, और उसके बाद भी जो है हमें कोई भी इससे बेनिफिट नहीं हुआ। बेनिफिट कैसे होगा अगर आप लोग स्टडी ही नहीं करोगे प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, ठीक है? तो गाइज़, अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ये रखिए कि हाँ, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और हमें डेली अपने इतने आवर्स अपनी स्टडी को देने हैं, ठीक है? तो गाइज़, मेरी तरफ से आप लोगों को यही सजेशन थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि कितने अटैम्प्ट्स होते हैं। तो गाइज़, जैसा आप सभी को पता है कि AIB एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आप लोगों को स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है? सपोज़ आप लोग जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाते हो अपने एग्ज़ाम को, तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप लोग सेकेंड टाइम भी एग्ज़ाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ़ AIB अटैम्प्ट इज़ अनलिमिटेड, कैंडिडेट्स मे टेक द AIB एग्ज़ाम मल्टीपल टाइम्स अनटिल दे पास, ठीक है? जितनी सपोज़ कीजिए, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका सेकेंड टाइम भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, ठीक है, तो वो जो है थर्ड टाइम भी एग्ज़ाम दे सकता है। बट जो आप लोगों ने स्टेट बार काउंसिल के अंदर वैलिडिटी कराई है, सॉरी रजिस्ट्रेशन कराया है, तो गाइज उसकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 2 ईयर्स तक की रहती है। उसके बाद जो है आप लोगों को रिन्यू करानी होती है, ठीक है? तो ये छोटा सा प्रोसेस होता है जो कि आप सभी कैंडिडेट्स को फॉलो करना होता है। इन केस अगर वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाता है एग्ज़ाम को, देन वो अपने सेकंड अटैम्प्ट दे सकता है। सेकंड भी नहीं हो पाता है तो थर्ड अटैम्प्ट वो लोग दे सकती हैं। तो गाइज़, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो है 3000 से ऊपर की फ़ी दे रहे हो, पे कर रहे हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, वो भी उनको पे कर रहे हो आप लोग, तो इससे जो है आप लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, उसका जो है आप लोगों को कुछ मिलना चाहिए। तो मिलने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोग जो अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर लीजिए, ताकि बाद में आप लोगों को रिग्रेट फील ना हो, ठीक है? तो गाइज, अपनी प्रिपरेशन जो है बिल्कुल अपनी बेरक्स को एक रूट समझ करके अपनी प्रिपरेशन कीजिए। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ, अगर किसी कैंडिडेट के पास बेरक नहीं है तो प्लीज़ अपनी बेरक्स खरीद लीजिए। ऐसा नहीं है कि आज दोस्त से मांग ली फिर वो दे नहीं रहा है, ऐसा कुछ तो प्लीज़ अपनी चीज़ अपनी ही होती है। तो प्लीज़ अपनी जो बेरक्स हैं जैसे भी आप लोग अरेंज कर सकते हो, बट अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल टॉप पर रखिए, ठीक है? इससे बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? और गाइस, स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारा एक टेलीग्राम पर सेम लर्न टिप्स के नाम से ही चैनल है, वहाँ पर भी अपनी क्वारीज को आप लोग शेयर कर सकते हो। तो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।